उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राजनीति में पिछले दिनों से काफ़ी कुछ उथल पुथल हो रहा है। ये तो सब जानते हैं कि किस तरह से दिल्ली और लखनऊ के बीच में ठन गई थी, लेकिन अब योगी जी ने दिल्ली को संभाल लिया है, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि अंदर की सच्चाई अभी किसी को पूरी तरह नहीं पता है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि योगी जी अब उत्तर प्रदेश को संभालने में लगे हैं, उत्तर प्रदेश में अपने बीजेपी नेताओं को संभालने में लगे हैं। योगी आदित्यनाथ को सबसे बड़ा खतरा जिस नाम से है वो है केशव प्रसाद मौर्य। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य के सामने दूसरा चेहरा खोज लिया और इस चेहरे को आगे रखने लगे। जी हाँ, जाहिर है कि केशव प्रसाद मौर्य को काटने के लिए उन्हीं की जाति से उन्हीं की तरह कोई चेहरा सामने लाना होगा और ये नाम रहा स्वामी प्रसाद मौर्य का। योगी आदित्यनाथ को लगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे बढ़ाकर वो केशव प्रसाद मौर्य को साइड कर सकते हैं। जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश सरकार के दौरान उप मुख्यमंत्री का पद पाने के बाद बहुत कुछ खो दिया, उसके बाद उनके मन में भी कई सवाल और कई कोशिशें जारी हैं। यहीं पर योगी आदित्यनाथ भी ये जानते हैं कि उनको केशव प्रसाद मौर्य को जिस तरह से साइड करना है उसका सिर्फ यही तरीका है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे बढ़ाएं, और ऐसा उन्होंने किया भी। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं, धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं, तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीकंधा बन जाता हूं। केशव प्रसाद मौर्य के घर पर जहां योगी आदित्यनाथ एक दिन रात्रि भोज करने पहुंचे थे, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ उन्होंने कई मुलाकातें की। ये दौर काफी लंबा भी चला, लेकिन अब इस दौर पर भी ग्रहण लग गया है। योगी आदित्यनाथ का स्वामी प्रसाद मौर्य पर दाव लगाने का तरीका भी फेल होता दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ ने स्वामी प्रसाद मौर्य को काफ़ी तवज्जो दी, केशव प्रसाद मौर्य को काटने के लिए उनके नाम को आगे किया, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर चुके हैं, और जब से इन दोनों की आपस में मुलाकात हुई है उसके बाद से योगी आदित्यनाथ की तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का रुख वैसा नहीं है जैसा कि पहले था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। अब वो योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य को ठिकाने नहीं लगाने वाले हैं, बल्कि खुद उन्होंने अपना खेमा बदलकर केशव प्रसाद मौर्य के खेमे में खुद को शामिल कर लिया है। इससे योगी आदित्यनाथ का केशव प्रसाद मौर्य को गिराने का ये दाव फेल हो गया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।